हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। जिसकी सरकार उसकी भैंस उसकी नथनी, जिसकी राग जिसकी लाठी उसकी भैंस। डेली दूध जाता था, आज दूध फट कैसे गया, खत्म कैसे हो गया, ये नीतीश बाबू जवाब देंगे ना। सिक्का से तौले गए थे, एक ही दो तराजू पर एक सिक्का था, यही ललन बाबू ने कहा था कि नीतीश बाबू को 32 दांत होता है, 32 दांत। आप किसी राजनीतिक के लिए हर चीज, उसका जवाब पप्पू यादव देगा। उस पर खेलने की इजाजत इनको नहीं दी जाएगी। निश्चित रूप से यदि कानून पर भरोसा है तो एक मिनट भी छुपना नहीं चाहिए। सरकार तंग करती है, सरकार आज खुश होंगे अमित भाई हमारे, कभी विनायक सेन के समय यही थे। और जिस तरीके से जब चिदंबरम जी जैसा व्यक्ति, जो देश के वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर, देश के सबसे बड़े सीनियर लॉयर और सीपीआई फान के जा रही है, और डेली वो सीबीआई को सपोर्ट कर रही है, कॉपरेट कर रही है, उसके बाद कोई चीज नहीं, तो ये तरीका जो है कितना गलत है। तो साफ है, मैंने पहले ही कहा कि एजेंसी सरकार, जिसकी सरकार उसकी भैंस उसकी नथनी, जिसकी राग जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ भी एजेंसी नीतीश बाबू का, वहाँ भी एजेंसी नीतीश बाबू का। नीतीश बाबू से पूछिए ना, जिसको बड़े शानदार तरीके से एसी घर में पाले रखे, जिसका दूध खाते थे, डेली दूध जाता था, आज दूध फट कैसे गया, खत्म कैसे हो गया, ये नीतीश बाबू जवाब देंगे ना। सिक्का से तौले गए थे, एक ही दो तराजू पर एक सिक्का था, यही ललन बाबू ने कहा था कि नीतीश बाबू को 32 दांत होता है, 32 दांत, और इसका सब दांत का इलाज करेंगे, यही ललन सिंह जी, पेट का दांत, वीडियो है। और उस वक्त बैठे हुए थे यही दोनों व्यक्ति, ललन बाबू और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है कि जिस तरीके से ये नाखून काट के विपक्ष भी शहीद होना चाहते हैं, उस तरीके से कुछ नाखून काट के शहीद होने की बारी जो ललन बाबू, आरसीपी सिंह जी आप लोगों की है, इससे बचिए। सबको पता है कि आप क्या करते हैं, आप लोग हमाम में सब नंगे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा तोपखान है। तो जरा जितना औकात है, तो मैं चुनौती देता हूं नीतीश बाबू आपकी सरकार को, विपक्ष और सत्ता पक्ष का कितना पैसा लगा हुआ है, इस पटना में कितने किसके मॉल है, और किस किस माफिया के साथ सत्ता का पैसा जर्मनी और विदेश में है, वो भी मैं लाऊंगा सामने। मन भर गया, अब दूसरा दुल्हन खोजने चल गए। भैया सब जब डीजीपी कह रहे हैं कि हमको मार देगा, सब असुरक्षित है इस बिहार में, तो फिर सरकार को खत्म करिए। हमने तो पहले भी कहा, यदि सब असुरक्षित है तो हमको 2 महीने का वक्त दीजिए ना। एक भी आदमी, अमिताभ जी अच्छे अफसर है, उनको तो पहले ही हटा दिया। अच्छा अफसर बिहार में रहता है क्या? अब वो बताएंगे कि कौन उनको मार रहा है, उनसे पूछना चाहिए। डीजीपी साहब कह रहे हैं कि हम ही सुरक्षित नहीं है, गजब बात करते हैं। बिहार में कोई सुरक्षित है? एक भी बेटी सुरक्षित है बिहार में? लगातार गैंग रेप बलात्कार, एमएलए एमपी मंत्री से कोई सुरक्षित है? एक कोठो बच्ची? और जिस जो सुरक्षा के लिए वही डीजी और वही अमिताभ दास और वही दरोगा मारा जा रहा है, तो सुरक्षित कौन है?
आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।